डिवाइड करना करेंगे अभी। पहले आपको पता हो, आपको पता दैट आज P-1 डे और आज हम सारे पोलिंग पार्टी जो 932 पोलिंग स्टेशन है पूरे 8 असेंबली सेगमेंट्स में, इनकी आज इंडक्शन हो रही है। आज अगर आप देखेंगे आज हम इस वक्त जो प्रेजेंटली हम SP हायर सेकेंडरी में जो कि जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी के, सिमिलरली बाकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है और आज दोपहर तक सारी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पोलिंग स्टेशन में 932 पोलिंग स्टेशन में रहेंगे और आम नास से और सभी असेंबली सेगमेंट्स के जो वोटर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए 7.7 लाख वोटर्स हैं, उनसे आपके माध्यम से गुजारिश है कि दैट हमने पूरी तैयारी की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है एंड एवरी पोलिंग स्टेशन इज़ नियर टू देयर लोकेलिटी। कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जिसमें हो और कोई भी क्लबिंग हुई नहीं है और आप आए वोट करें। जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में अच्छा रिस्पांस रहा वोटर्स का, उस रिस्पांस को हमने जब हमने स्पेशल समरी रिव्यू किया, आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर में 8 असेंबली सेगमेंट्स में मैक्सिमम एडिशंस हुए पूरे J&K में, 35,000 नए एडिशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेके आज तक। मैं उन सब लोगों का और न्यू वोटर्स का, यंग वोटर्स का मैं उनको इल्तिजा करता हूँ, जिस तरीके से उन लोगों ने इनरोलमेंट अपना करा, चाह दिखाई इनरोलमेंट करने के लिए, उसी तरीके से कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 25 सितंबर है और पोलिंग डे है फॉर श्रीनगर, श्रीनगर के 8 असेंबली सेगमेंट्स में वो अपने घरों से निकले और वोट करे। 93 कैंडिडेट्स हैं इन कंपटीशन में हैं, अपना अपना कैंडिडेट चुनिए, अपने तरीके से चुनिए, जो उनके मैनिफेस्टोज जो चाहते हैं और एक जमहूरियत की जो एक ये फेस्टिवल है इसको सक्सेसफुल बनाए। हमारी डेमोक्रेसी तभी वाइब्रेंट है जब हमारे साथ सारे लोग जो जो वोटर्स हैं वो 25 सितंबर जो कल का दिन है वो सिर्फ इसको एक छुट्टी का दिन ना माने बल्कि एक इम्पॉर्टेंट दिन उनके लाइफ का। एक दिन पिकनिक आप किसी भी दिन जा सकते हैं, यंगस्टर्स क्रिकेट मैच किसी भी दिन खेल सकते हैं, लेकिन वोटिंग इनको 5 साल के बाद टाइम मिलेगा इसको वोट करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से दैट दे शुड कम टू द पोलिंग स्टेशन एंड वोट। और हमने पूरी फैसिलिटीज़ पोलिंग स्टेशन 932 पोलिंग स्टेशन में हमने पूरी फैसिलिटी रखी हुई है, चाहे वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हो जिसमें रैंप होता है, व्हील चेयर्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होता है, क्यू मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है दैट इट शुड लुक अ फेस्टिव माहौल लगना चाहिए जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था। और आपके माध्यम से यही गुजारिश है और आप भी इसको कैरी फॉरवर्ड, इस मैसेज को करिए, लेट्स वोट टुमारो, लेट्स कम। तो उसमें क्या क्या जो फैसिलिटीज है खासकर एबो एज पर्सन और जो यहाँ पर डिसेबल्ड हैं उनके लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से एक इम्पॉर्टेंट नारा होता है इंक्लूसिव इलेक्शन का, जिसमें हर कोई वोट का इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाता है। एक फिजिकली डिसेबल्ड बंदा जो कि डिफरेंटली एबल्ड बंदा जिसकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो उसको होम वोटिंग का भी फैसिलिटी रखा है, जो आपने देखा होगा पिछले 19 से 21 तक हम लोगों ने होम वोटिंग भी उनकी कराई, 85+ वोटर्स की भी होम वोटिंग हो गई जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया था। सिमिलरली जो अब हम इंक्लूसिवली हम चाहते हैं कि वोटर्स चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो चाहे वो एज्ड वोटर हो वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट करें, उनके लिए जो आना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि हम जाएंगे और पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरी फैसिलिटी रखी जाती हुई है, चाहे व्हील चेयर्स हो, चाहे रैंप हो, चाहे हेल्पर्स वहाँ पर हो, एवरी और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी वहाँ रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ पूरी आवाम को, श्रीनगर की आवाम को, कि दैट आपको वोट करने के लिए वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है वो ज़रूरी नहीं होती, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप होनी चाहिए। हमने सारे वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप जो है 7.76 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इन केस किसी को नहीं मिली है डज नॉट मीन कि वो वोट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल वोट कर सकता है। वो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड अपना ले आए, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो उसका क्या आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, 10 प्रकार के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाए पोलिंग स्टेशन में और अपना वोट करें। देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो रिस्पांस रहा श्रीनगर का, बिकॉज श्रीनगर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेगमेंट कश्मीर में जो वोटिंग में गया,
ठीक है, तो उस तरीके से जब हमने वो लोगों ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा, इट वॉज ऑलमोस्ट 38% वोटिंग एंड फॉर श्रीनगर इट वॉज 26%। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक। बस कल का दिन मैं आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, वो आए वोट करें। सिक्योरिटी के आस्पेक्ट पे वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, एवरी हर कोई डिप्लॉयमेंट प्लान बना हुआ है। और आपको इससे पता चलना चाहिए कि दैट वी डोंट हैव एनी क्लबिंग। पहले कभार क्लबिंग होती थी पोलिंग स्टेशन में, 932 पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग होगी, देयर विल बी नो क्लबिंग। सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं 932 पोलिंग स्टेशन में। वेबकास्टिंग है जिसको PCR कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में देखा जाएगा, इंक्लूडिंग आर ओ के वहाँ से भी देखा जाएगा। पूरा हर किसी पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग है, हर किसी पोलिंग स्टेशन को यहाँ पर कंट्रोल रूम में देखा जाता है कि किस तरीके से वोटिंग होती है। इट शोज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी न्यू फ्यूचर, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी था और इससे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। थैंक यू।